जोकर बैटमैन का ऐसा विलन जो उसको मारना नहीं चाहता बल्कि उसके साथ सायद खेलना चाहता है, उसके मोरालिटी को छेड़ना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि तुम जिसे बचा रहे हो वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितना जिससे तुम उसे बचाते हो। आखिर जितने भी इंसानियत के दुश्मन हैं उन्हें इंसानियत नहीं बनाया है, और अगर आज तुम मुझे रोकने आए हो तो रुकने की जरूरत शायद तुम्हें भी है, क्योंकि जिस ट्रेजेडी से तुम गुजरे हो और जिस चीज ने तुम्हें बनाया है यकीन मानो मैं भी उसी का शिकार हूँ, और इसीलिए शायद तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू। पर सही भी है, अगर तुम मुझे रोकने नहीं आओगे तो गेम इतना इंटरेस्टिंग होगा भी नहीं। मैं तो पूरी दुनिया जला दूंगा, राख कर दूंगा इन भवनों, इमारतों और इस समाज के नियमों को, पर इसके बाद क्या? मेरे लिए तो कुछ करने को बचेगा ही नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। यू कम्प्लीट मी। और पता है, लोग मेरे उत्पाद से नहीं डरते, मेरे खून खराबे से भी नहीं डरते, और न डरते हैं मेरे पागलपन से। वो डरते हैं इस बात से कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। व्हाट इज योर? कुछ अटकलें लगाते हैं कि शायद मैं किसी केमिकल में गिरा था या फिर कुछ लोगों की बुराइयों ने मुझे बनाया है, पर सच तो मुझे भी नहीं पता। क्या पता ये सब मेरे दिमाग ने बनाई है। और सच पूछो तो सच जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ दृष्टिकोण होता है, तुम्हारे लिए सही, मेरे लिए कॉमेडी। अंत में हम एक जैसे ही तो हैं, तुम, मैं, ये दुनिया, बस मेरा नजरिया अलग है तो लोग मुझे जोकर कहते हैं। इनके दामन भी तो साफ नहीं, अगर थॉमस वेन के लोग मरे तो उनके लिए पूरा मार्च निकाल देते हैं, और अगर वही मैं गिरा होता तो वो मुझ पर लांघ कर चले जाते जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। अरे क्या गलती है मेरी कि मैं इनकी तरह नहीं सोचता और इनको देखकर हमेशा स्माइल नहीं रख सका? और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था एक हैप्पी स्माइल रखने को, पर शायद ये हैप्पी स्माइल ही था जो मुझे मैं होने से रोकता था। मैं हमेशा सोचता था कि लाफिंग कंडीशन मेरा एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है जिससे मुझे निकलना है, पर बाद में पता चला कि वही तो मैं हूँ। हाँ, वही सिकुड़ा हुआ मेरे अंदर दबा जिसे मैंने कभी बाहर नहीं निकलने दिया, हमेशा दबाया ये सोचकर कि शायद खुद को नकारने से लोग मुझे प्यार करेंगे, मेरे स्माइल को देखकर वो भी मुझे स्माइल देंगे, और इसी ने मेरे जोक्स पर वो भी हंसेंगे। पर हुआ क्या, सब ने मुझसे झूठ बोला, उनकी स्माइल भी नकली और माँ का प्यार दुलार भी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को मुझ में डाल दिया और कहा तुम भी स्माइल करो, और दबाया मुझे उस छोर तक जिससे मैं पूरा जोकर बन गया। पर अब